दोस्तों अक्सर हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन करेगा कि यहाँ से मुड़ जाएगा क्या ऐसे कोई इंडिकेटर ऐसे कोई सिग्नल्स हैं जो हम यूज़ करके ये पता लगा पाए कि ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा कि यहीं पर रुक जाएगा और अकॉर्डिंगली हम अपने आप को उस ट्रेंड में प्लेस कर पाएंगे तो अगर आपकी यह विडंबना रहती है आप ट्रेडिंग करते समय अगर आपको यह कंफ्यूजन रहता है तो यह वीडियो आपके लिए है पूरा देखिएगा दोस्तों नमस्कार मैं भरत वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप आ, हमें प्यार दे रहे हो जिस तरह से आप हमें बढ़ावा दे रहे हो हमारा जोश बढ़ते जा रहा है हर हफ्ते और हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई धासु धमाकेदार कंटेंट लेके आए आ, तो उसी आ, सेम गोल को आ, यू नो परस्यू करते हुए हम आपके लिए आज लेके आए हैं ट्रेडिंग विद द ट्रेंड यूजिंग इंडिकेटर्स ये एक प्रो ट्रेडिंग टेक्निक है तो फ्रेंड्स दिक्कत जनरली क्या होती है ना कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम प्राइज एक्शन ऑफकोर्स तो यूज करते ही हैं लेकिन क्या आपको पता है कि साथ साथ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसको अगर आप यूज करोगे तो आप ट्रेंड की गति या ट्रेंड का जो वजूद है उसको आप अच्छी तरह से रीड कर पाओगे तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कुछ इंडिकेटर्स को यूज करना है और किस तरह से वो इंडिकेटर हमें बताएंगे कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले एक काम आपको करना है अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे बिना आगे मत बढ़िएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर लीजिएगा साथ ही साथ अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताए और हां यार मेन चीज तो भूल ही गया शेयर करें अगर आपको लगता है हमारे कंटेंट में दम है हमारी डिलीवरी में दम है तो आप अपनी ये जो हमारी वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो यार इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुकिंग के शुकिंग के किटी पार्टी के फ्रेंड्स के फैमिली के कॉलेजेस के उन व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर करो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वहां पर हमारा वीडियो शेयर करो बहुत सारे फेसबुक पे लिंकन पे ट्विटर पे बहुत जगह आप फैले हो हमारा वीडियो शेयर करो जैसे मैंने आपको कहा अगर हम ग्रो करेंगे तो हमें जोश हमें फुर्ती बनी रहती है आपके लिए कंटेंट लेके आने की तो इसी के साथ बिना विलंब करे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग क्या होता है अब ट्रेंड ट्रेडिंग हमें करनी है तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है देखिए ट्रेंड ट्रेडिंग बेसिकली एक ऑन ट्रेंड पे ऑनबोर्ड होने का ऑनबोर्ड होने का तरीका को, को ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं तो ये देखिए अगर ये ट्रेंड जो है ये हाइज 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 और ये ऐसे मूव बना करते हुए जा रहा है तो ये ऑलरेडी एक ट्रेंड में है ऑलरेडी एक मोमेंटम में है अब इस ट्रेंड को बोर्ड करना है हमें अभी इस ट्रेंड पे चढ़ना है हमें इस ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस ट्रेंड को बोर्ड करना है या यहां करेंगे या यहां करेंगे या यहां करेंगे कहीं पर भी करेंगे तो उसे हमें वो उस बोर्डिंग को ये बाकी जो गेम्स हैं उसको कैप्चर करने के तरीके को हम ट्रेंड ट्रेडिंग बोलते हैं लेकिन फ्रेंड्स यहां पर विडंबना क्या आती है यहां पर दिक्कत क्या आती है हम एक डायलेमा में रहते हैं हम हमें पता नहीं चल पाता है कि ये ट्रेंड यहां से कंटिन्यू करेगा कि ये ट्रेंड यहां से मुड़ जाएगा क्या हमें इस ट्रेंड को बोर्ड करना चाहिए क्या हमें या इस ट्रेंड को इग्नोर करके दूसरी जगह दूसरे स्टॉक्स या कमोडिटी में हमें जाकर छलांग लगानी चाहिए तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हमेशा ट्रेंड ट्रेडिंग में बनी रहती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि आप देखोगे कि आप वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो वेट कर रहे हो और जैसे ही आप कूदते हो ट्रेंड में ट्रेड में ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर जाता है और रिवर्स कर जाता है तो अब ये रिवर्स करने के बाद अब क्या ये जो करेक्शन है क्या ये जो करेक्शन है ये ट्रेंड रिवर्सल है अब दिक्कत क्या आती देखिए एक और मजेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूं ये जो दिक्कत आती है कि जैसे कि ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ गया अब ये नीचे आना शुरू हुआ तो ये क्या रिवर्सल है या ये करेक्शन है ये पता लगाना बड़ा दुर्लभ काम है तो आज का एपिसोड हमारा इसी चीज़ को इसी दुर्लभ स्थिति को सिम्प्लीफाई करने पे फोकस्ड है राइट तो आज हम देखेंगे कि क्या ऐसे कोई इंडिकेटर्स हैं ऐसे कोई सिग्नेचर्स हैं ऐसे कोई स्टाइल है जो हमें बता दे कि भैया ये जो ट्रेंड है अब ये रिवर्स होने वाला है तो इस पर मत कूदो कुछ और चीज ढूंढो जो आपको मदद करे ट्रेंड को अनबोर्ड होने बोर्ड होने में तो देखिए ट्रेंड्स जैसे हमने कहा कि दो मेथड यूज करके हम एक ऑनगोइंग ट्रेंड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूशन ट्रेंड है कि रिवर्सल ट्रेंड है तो पहला प्राइज एक्शन ऑफकोर्स ये सबका बाप है प्राइज एक्शन तो ऑफकोर्स प्राइमरी रहता ही है दूसरा होता है इंडिकेटर्स को यूज करके इंडिकेटर्स को यूज करके भी आप जो है ऑनगोइंग ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पता कर सकते हैं तो आज हम फोकस करेंगे इंडिकेटर पार्ट पे राइट तो आप देखिएगा आज जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कुछ न्यूनसेस खुलूंगा कुछ पर्दे उठाऊंगा कुछ सस्पेंस क्रिएट करूंगा एक फुल ब्लोन थ्रिलर शर्लॉक होम्स की मूवी होने वाली है तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे एपिसोड के लिए और हाँ एक और चीज कि ये जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मेथड हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है तो ऐसा नहीं है कि वीकली पे काम करेगा या डेली पे काम करेगा या हर्ली पे काम करेगा या चार घंटे पे नहीं हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है मैं ज्यादातर वीक मैं ज्यादातर डेली ट्रेडर हूं मैं डेली चार्ट्स पे ज्यादातर ट्रेड करता हूं इसीलिए मैक्सिमम मेरे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो डेली चार्ट के लिए रहते हैं लेकिन ये ये जो मैथड uh, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करते हैं इक्वली तो हम तीन uh, तीन इंडिकेटर्स का यूज करेंगे पहले हम देखेंगे कि वोलेटिलिटी को क्या यूज करके वॉलेटिलिटी को इस्तेमाल करके क्या हम ट्रेंड चेंज पता कर सकते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैंड एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है दूसरा है ट्रेंड के इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे जो कि सबसे बेस्ट ट्रेंड का इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज तो मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या मूविंग एवरेज हमें मदद कर सकता है ट्रेंड रिवर्सल बचाने में तीसरा मोमेंटम मोमेंटम यानी कि जो इसे जनरली लीडिंग इंडिकेटर्स बोला जाता है इसे लीडिंग क्यों बोला जाता है आज आपको मैं क्लैरिटी दूंगा मोमेंटम मोमेंटम यानी कि हम यूज करेंगे सोकैस्टिक्स और मोमेंटम इंडिकेटर यूज करके देखेंगे कि क्या मोमेंटम हमें बता सकता है कि यहां से ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा तो देखिए वॉलेटिलिटी ट्रेंड मोमेंटम तीन जो जिसे बोलते हैं ना परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन यही हमारे गुरुकुल के तीन स्तंभ है वैसे ही कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम के तीन स्तंभ होते हैं वोलेटिलिटी ट्रेंड और मोमेंटम राइट तो ये तीन स्तंभ होते हैं बाकी बेस जो होता है वो प्राइस एक्शन होता है छत जो होता है वो ब्रेथ इंडिकेटर होता है लेकिन ये स्तंभ होते हैं तीन तो वोलेटिलिटी ट्रेंड और मोमेंटम इन तीनों को इस्तेमाल करके आज हम देखेंगे कि क्या हम ट्रेंड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सबसे पहले आइए हम बात करते हैं बॉलिंजर बैंड की तो बॉलिंजर बैंड की इस्तेमाल करते हैं हाँ फ्रेंड्स बॉलिजर बैंड के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज भी पहले बना रखी है तो आप वहाँ पर भी जाके देखिए वैसे आज का जो एप्लीकेशन है बॉलिंजर बैंड का वो अलग है वो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस नहीं किया और शायद यूट्यूब में कहीं पर भी डिस्कस ये नहीं हुआ होगा मैं आपके साथ आज एक अलग एप्लीकेशन डिस्कस करूंगी बॉलिजर बैंड का करूंगा तो यहां पर देखिए जब कोई भी ट्रेंड स्ट्रांग होता है जब कोई भी ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो वो जनरली बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड जो होता है ये ये अपर अच्छा बैंड की की जो सेटिंग्स सेटिंग्स है है नॉर्मल मैंने कोई चेंज चेंज नहीं की. जहां पर सेटिंग होगी वहां मैं आपको बता दूंगा तो यहां पर देखिए ये जो अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है अगर स्टॉक राइजिंग है तो जनरली वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के पास वो चिपक के रहेगा राइट ये देखिए प्राइस जो है आप देखिए ठीक से ये बॉलिजर बैंड के अपर बैंड के पास ही होवर करता है कई बार उसको पियर्स करके आगे भी निकलता है लेकिन जनरली अगर प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के सामने होवर कर रहा है तो इसका मतलब जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है और ये जो बॉलिंजर बैंड की अब ये चीज इंपॉर्टेंट है इस चीज पे ध्यान दीजिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए ये जो बैंड आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर की जो बैंड है ये अपर बैंड है राइट अपर बैंड है बॉलिंगर बैंड की अपर बैंड है। ये जो अपर बैंड है इसकी जो स्लोप है स्लोप मतलब इसका कर्वेचर इसका कर्वेचर जो है वो भी ऊपर के तरफ राइजिंग होना चाहिए दो कंडीशंस हमने डिस्कस की पहला कंडीशन हमने डिस्कस किया कि प्राइस जो है वो बॉलिंगर बैंड के सिस्टम के अपर बैंड के सामने होवर करेगा या तो उसको बहुत बार पियर्स भी करेगा और अगर बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है मेरे फ्रेंड्स तो ये मिडल बैंड तक जाता ही नहीं है प्राइस देखिए एक बार भी इतना स्ट्रांग ट्रेंड है एक बार भी प्राइस जो है वो मिडल बैंड के पास नहीं गया अपने अपर बैंड के पास ही प्राइस होवर कर रहा है साथ ही साथ, साथ ही साथ ये जो अपर बैंड है इसकी स्लोप जो है वो भी ऊपर की तरफ है स्लोप चेंज नहीं हुई अब आप देखो यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ यहां पर इस बैंड की स्लोप जो है वो चेंज हो गई स्लोप नीचे की तरफ झुकी और प्राइस जो है वो बैंड से दूर हो गई दूर हो गई जुदा हो गई ब्रेकअप हो गया इनका और फिर यहां पर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड से साइडवेज चला गया और इंडिकेशन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में भी बदल सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ये देखिए ट्रेंड हो गया चेंज तो बॉलिजर बैंड को इस्तेमाल करके दो चीज हमने देखी एक बॉलिंजर बैंड अगर स्ट्रांग ट्रेंड है तो वो मिड बैंड को छुएगा ही नहीं और ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड के साथ स्टिक करके रहेगा साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ रहेगा अप ट्रेंडिंग के लिए अब आ जाते हैं डाउन ट्रेंडिंग में डाउन ट्रेंडिंग में ठीक उसका ऑपोजिट अब यहां पर देखिए क्या हुआ ये जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो ये जो कैंडल है ये देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है और लोअर बॉलिजर बैंड के आसपास ही है लोअर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास ये नंबर वन नंबर टू ये जो बॉलिंजर बैंड का कर्व है आप देखो ये जो है नीचे की तरफ ही है मतलब जब शार्प फॉल आई थी इसका कर्व एकदम नीचे की तरफ था अब यहां पर देखिए अचानक में इसका कर्वेचर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ प्राइस जो है वो भी बॉलिंजर बैंड से दूर चली जा रही है दोनों चीज हो रही है प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड से दूर चली जा रही है और इसका कर्वेचर जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर देखिए प्राइस बॉलिंजर बैंड के एकदम बगल में है प्यार से दोनों लेला मजनू दोनों का अफेयर मस्त चल रहा है और अचानक में यहां पर सिमरन के पापा आ जाते हैं और फिर हो जाता है इनके प्यार में लव स्टोरी में ट्विस्ट दर्द और वो प्राइस से अलग हो जाती है तो ये मतलब हुआ ट्रेंड चेंज समझ में आ गया तो अब अपने को इस दौरान इस दौरान आप जो है जब डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए सेलोन राइस की स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए और वैसे ही ये अप अप ट्रेंड ट्रेंड की दौरान अप ट्रेंड के दौरान के आप जो है बाय ऑन डिप की बना सकते हैं तो बॉलेंजर बैंड को इस्तेमाल किया हमने अच्छा कई बार देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये पियर्स कर देगा राइट लेकिन नीचे वाले बैंड को नहीं छू रहा है कई बार जब कोई ऐसे कई ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो जैसे आईकर मोटर्स अब ये देखिए इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है काफी महंगा स्टॉक है तीन साढ़े तीन हजार का स्टॉक है तो ये ज्यादा वॉलेटल नहीं होगा है ना तो अब इसे देखिए क्या होता है कई बार ये मिडिल बैंड को पियर्स कर देता है कई बार कई बार मिडिल बैंड को पियर्स कर देता है इसका एक और कारण हम लोगों ने पिछले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस किया था कि मिडिल बैंड जो होता है वो ट्वेंटी डीएमए होता है ट्वेंटी पीरियड का मूविंग एवरेज होता है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक मूविंग एवरेज हर एक स्टॉक पे काम नहीं करता अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग मूविंग एवरेज होते हैं तो इसीलिए कई बार क्या होता है ये पी कर देता है लेकिन हमें तो बैंड से मतलब है देखिए बैंड के करीब है ये अपर बैंड के करीब ही चल रहा है अभी भी इसका अफेयर खत्म नहीं हुआ अभी भी इसकी लव स्टोरी जिंदा है तो अपर बैंड के करीब है तो ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है अब आप इसमें जो पुल बैच हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पुल बैक ट्रेडिंग पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर वो एपिसोड बनाया था तो आप पुल बैक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी यहां पर लगाइए और आप जो है बाय ऑन डिप यहां पर कर सकते हैं राइट ये ऊपर वाला यहां पर देखिए कई वजह से मैंने आपको कहा कई बार स्क्वीज के समय ये ये तोड़ देगा इसका मतलब उससे हम लोगों को घबराना नहीं और राइट तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए लिया क्योंकि यहां पर कई बार हमें ब्रिज भी देखने को मिलेगा लेकिन वो वापस ऊपर चला जा रहा है तो अल्टीमेटली इट इज होल्डिंग द ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज वैसे ही नीचे की तरफ देखिए जब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है ना तो कई बार क्या होगा ये अपने इस ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रीच कर देगा लेकिन ये ऑपोजिट बैंड को टच नहीं कर पा रहा है देखिए ब्रीच जरूर कर है तो ऑपोजिट बैंड को टच नहीं कर पा रहा है ऑपोजिट बैंड को टच नहीं कर पा रहा है ऑल राइट right? तो इसका मतलब अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है क्योंकि इट इज नॉट एबल टू टच द ऑपोजिट बैंड और जैसे ही ये ऑपोजिट बैंड को टच कर लेता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया समहाउ प्राइस हैव चेंज्ड इट्स कैरेक्टर तो ये हमारे लिए रेड फ्लैग हो जाता है ये डाउन ट्रेंड के लिए एक तरह से रेड फ्लैग हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से हमें बैंड बता सकता है कि ट्रेंड जो है वो बदल गया तो अब तक यहां पर डाउन ट्रेंड था तो हमें क्या करना है सेल 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 ऑन 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 राइज करते चले जाना है लेकिन अब जो रिट्रेसमेंट यहां पर आई ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिए अब जो रिट्रेसमेंट यहां पर आई है इधर में जो रिट्रेसमेंट अब जो हमें रिट्रेसमेंट मिली फ्रेंड्स वो ऊपर वाले बैंड को टच कर रही है इसका मतलब प्राइस का कैरेक्टर चेंज हो गया पिछले कई पिछले कई पुल बैक्स में बहुत सारे पुल बैक्स में हमने देखा कि ऊपर वाले बैंड को टच नहीं कर पा रही थी लेकिन इस बार ऊपर वाले बैंड को टच कर दी करवेचर चेंज हो गया प्राइस जो है वो अपने बैंड से दूर हो गई तो इसका मतलब कि देर हैज बिन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइस प्राइस में कुछ चेंज हुआ है रेड फ्लैग है डाउन ट्रेंड के लिए या तो साइडवेज चला जाएगा या ये ट्रेंड चेंज कर लेगा तो वेन वी कैन एज्यूम दैट द ट्रेंड मे हैव चेंज और डू वी हैव अ सिग्नल टू एग्जिट इसका मतलब कि हमने भाई देख लिया कि डाउन ट्रेंड में लोअर बैंड के पास प्राइस रहेगी और बैंड का जो कर्व है वो नीचे की तरफ रहेगा अप ट्रेंड में प्राइस जो है वो अपर बैंड के पास रहेगी और अब, अब जो कर्वेचर है वो ऊपर की तरफ रहेगा तो अब कब हमें पता लगेगा कि ये जो ट्रेंड है वो बदल गया है हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी है कब पता लगेगा जब हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो एकाएक पियर्स करके लोअर बैंड को छोड़ के अपर बैंड के ऊपर चली जाती है अब इस महबूबा ने आपको धोखा दे दिया ये आपको छोड़ के किसी दूसरे के पास चली गई तो इसका मतलब ये जो है प्राइस यहां पर हमें पता लगा ट्रेंड चेंज हो गया आप देखिए ये वाला जो चार्ट है ये पूरा एक ट्रांजिशन चार्ट मैंने यहां पर बनाया है डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड जब हो रही है तो देखिए लोअर बैंड को एकदम क्या अफेयर है लोअर बैंड के साथ मतलब कि तेरे बिन जीना नहीं फिर अचानक में ऐसा हुआ कि भैया ये तो टू व्हीलर वाला बंदा था ये भैया बंदे के पास थ्री मर्सिडीज़ और ये जो बंदी है प्राइस ये देखी कि भैया आप चलो कोई बात नहीं देर इज़ ऑलवेज़ नो वी शुड ऑलवेज़ इम्प्रूव हमें हमेशा अगर इम्प्रूव करने का चांस मिले हमें हमेशा अगर अपने आप को अपग्रेड करने का चांस मिले तो हम अपग्रेड कर लेते हैं तो इसने अपग्रेड कर लिया अपने आप को अब क्या हुआ देखिए यहाँ तो पहले ये कर्वेचर चेंज हुआ नंबर वन दूसरा ये जो प्राइस है ये बैंड से दूर हुई नंबर टू तीसरा ये जो प्राइस है ये जाकर अपर बैंड में टच करने लग गई नंबर थ्री हुआ नंबर फोर क्या हुआ ये अपर बैंड का कर्वेचर जो है ऊपर की तरफ आ गया गया तो तो यहां पर ट्रेंड हो गया, ट्रांजिट अगर तो अगर आप शॉर्ट आपने शॉर्ट किया समवेयर समझिए यहां पर आपने शॉर्ट किया या इस पुल बैग में आपने शॉर्ट किया तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल मिल गया तो आपको यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है देखिए ग्रासिम इंडस्ट्री डेली चार्ट मैंने मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री का जो स्टॉक का नाम चार्ट का टाइम फ्रेम सब कुछ दे दिया है आप जा कर वहाँ पर देखो और हाँ अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो ये हमारा नंबर है नाइन सेवन फोर एट वन सेवन डबल थ्री डबल थ्री ये हमारा नंबर है हमारे एग्जीक्यूटिव इस नंबर पे है आपको क्या करना है ये जो वीडियो जो अभी आप देख रहे हो आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जैसे मैंने कहा ना बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में फेसबुक में ट्विटर पे लिंकड में बहुत जगह आप हो इंस्टाग्राम में बहुत जगह हो सिर्फ आपको अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ये वीडियो हमारी अभी ये जो वीडियो है वो शेयर कर देना है और इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीन के साथ कि सर जी आपकी वीडियो हमने शेयर कर दी ये प्रेजेंटेशन हमें दे दीजिए हमारा बंदा ये प्रेजेंटेशन आपको तुरंत डिलीवर कर देगा तो ये हमें पता लगेगा कि कब ट्रेंड चेंज हुआ ट्रेंड चेंज कब हुआ हमें पता चल गया तो ये बॉलिजर बैंड को इस्तेमाल करके ये तरीका हम यूज करेंगे बॉलिंजर बैंड के साथ तो अब पहला हम लोगों ने देख लिया वॉलेटिलिटी को इस्तेमाल करके कैसे हम ट्रेंड जो ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है और ये ट्रेंड चलेगा कि नहीं चलेगा और चलेगा तो हमें ऑन डिप करना है कि ऑन राइज करना है अब हम यूज करेंगे मूविंग एवरेजेस और अब हम देखेंगे यह है ट्रेंड इंडिकेटर वो वॉलिटिलिटी इंडिकेटर था यह है ट्रेंड इंडिकेटर अब हम देखेंगे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके आप कैसे पता कर सकते हो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन या रिवर्सल के बारे में तो चलिए जल्दी से देखते हैं पहले फ्रेंड्स ये हमारा स्टॉक क्लब जो है यह हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपनी मेंटरशिप देते हैं हमारा मेंटरशिप क्या चीज का है स्टॉक ट्रेडिंग का मेंटरशिप है जो बहुत इनडेप्थ प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और ये सीरियस ट्रेडर्स लोग के लिए हैं अगर आप बहुत सीरियस हो और आप चाहते हो कि आप परस्यू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक ट्रेडिंग को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं तब आपके लिए प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में हम बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक आपकी मदद करते हैं और देखिए क्या क्या फीचर है इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर हैंड होल्डिंग आपकी करते हैं ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्राम दे दिया तीन महीने के लिए आपके साथ रहे उसके बाद आपको छोड़ दिया आपकी हालत पे नहीं वैसा नहीं है आपके साथ रहेंगे जब तक आप हमारे साथ रहना चाहोगे हम आपके साथ रहेंगे आपकी उंगली पकड़ के हम आपको चलाएंगे तो यहां पर देखिए ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आप वीडियो फॉर्मेट में प्रोग्राम है आप अपने पेज पर पे देख सकते हो लेकिन उसके बाद क्या होता है हैंड होल्डिंग कैसे होती है देखिए लगातार हम डिस्कशन करते हैं इंडेक्सेस स्टॉक कमोडिटीज सेक्टर्स क्रिप्टोस ग्लोबल मार्केट्स के बारे में लगातार डिस्कशन करते हैं लगातार स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होती है एवरी फोर्थ नाइटली हमारी मीटिंग होती है लाइव मीटिंग होती है जूम में एवरी फोर्थ नाइटली जहाँ पर आपकी डाउट आपकी क्वेरीज और बहुत कुछ डिस्कशन होता है साथ ही साथ हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं जैसे हम वॉचलिस्ट अपने बनाते हैं कैसे स्कैनर्स हैं सारे स्कैनर आपके साथ शेयर होते हैं हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जो कि बहुत ही जबरदस्त मॉडल है जो मार्केट को टाइम करता है और वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं तो ये एक साल का प्रोग्राम है रिवीजन कैप्सूल हैं लगातार अपडेट होता रहता है पुराना मटेरियल हटता है नया मटेरियल आता है पुराना मटेरियल हटता है नया मटेरियल आता है लगातार अपडेट होता है और आपको इस चेंजिंग डायनेमिक मार्केट के साथ नेक टू नेक रखता है देखिए फ्रेंड्स जिस ढंग से अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डोंट क्राई रोइे मत अपने इनकम बढ़ाने के तरीके को ढूंढिए इन्फ्लेशन नहीं रुकेगा इन्फ्लेशन कितना कम हो जाएगा राइट आज से दस साल पहले जो चीजों के भाव थे और आज अगर आप उस चीजों के भाव को कंपेयर करोगे तो इन्फ्लेशन कहाँ घटा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है लेकिन जिस स्पीड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस स्पीड उस में आज ना आपकी सैलरी बढ़ रही है ना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है एक पैरेलल इनकम सोर्स जनरेट करना है पैरेलल इनकम सोर्स कैसे जनरेट होगा बहुत तरीके हैं इसमें से यह तरीका एक है सिक्का ट्रेड करने का अंदाजा में तुक्का मत मारिए सिक्का ट्रेड करिए मजा अलग है और आपको फ़ायदे समझ में आएंगे बहुत जबरदस्त फायदे समझ में आएंगे तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए जो सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो सोचते हैं कि मैं कोई मैजिक कैप्सूल दे दू दूंगा या जो मैं आपको कोई ऐसी घुटी पिला दूंगा जिसे आप पीते ही दूसरे दिन एकदम पॉल ट्यूटर जोन्स की तरह ट्रेडर बन जाओगे टक 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 मारा पैसा इन पापा का एटीएम कार्ड नहीं वैसा नहीं है मेहनत करना पड़ेगा बहुत मेहनत करना पड़ेगा पूरा रगड़ देंगे आपको और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये मार्केट जो है पैसे कमा के देता है साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे इसके अलावा ये शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं अगर आप चाहो तो ये शॉर्ट प्रोग्राम अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो ये शॉर्ट प्रोग्राम कर लो हमारा तीन सबसे पॉपुलर शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम है पहला है सी दूसरा है इंट्राडे का मॉड्यूल और तीसरा है बी का मॉड्यूल ये तीनों हमारे बहुत फेमस प्रोग्राम है और खासकर ये इंट्राडे वाला मॉड्यूल और ये सी ये जबरदस्त प्रोग्राम है लोग बहुत लेते हैं ये और मैं सच्ची बोलता हूँ कि ये ये लेने के बाद वो हंड्रेड परसेंट जो है हमारे मेंटरशिप में कन्वर्ट कर जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि क्या एफिशिएंसी उनको मिल रही है क्या चीज़ मिल रही है और ये प्रोग्राम सारे ऑलरेडी हमारे मेंटरशिप में इंक्लूडेड है तो जितने भी शॉर्ट प्रोग्राम है हमारे मेंटरशिप में इंक्लूडेड है तो अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को आप करने के लिए लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो सीख रखा है और मैं जो सिखाऊंगा उसमें रात दिन का डिफरेंस है अभी देखिए फ्री के यूट्यूब वीडियोस में अगर आपको इतना वैल्यू मिल रहा है तो आप ये चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हमारे प्रोग्राम में आप आ गए तो आपको क्या मिलेगा और ये देखिए हमारे रिजल्ट राइट ये मेरे रिजल्ट नहीं है मेरे ट्रेडिंग रिजल्ट नहीं है ये हमारे मेंटिस के ट्रेडिंग रिजल्ट हैं हमारे मास्टर ट्रेडर्स के ट्रेडिंग रिजल्ट हैं जो उन्होंने ट्रेडिंग करके ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो प्रैक्टिस की है भाई ऐसे नहीं मिला है इन्होंने प्रैक्टिस की है और देखिए किस तरह से इनका रिजल्ट आपके सामने देखिए थर्टी लाख का प्रॉफिट और यहाँ पर देखिए वन वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड टू लाख सिक्सटी टू थाउजेंड अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा ये प्रेजेंटेशन जब आपके पास आएगी आप देख लीजिएगा ये मास्टर ट्रेडर्स के रिजल्ट है रिजल्ट आपके सामने ओके जी तो अब अपने काम पर आगे बढ़ते हैं और मूविंग एवरेज वाला सिस्टम फ्रेंड्स हम मूविंग एवरेज जो यूज करेंगे वो ये गप्पी का मूविंग एवरेज यूज करेंगे गप्पी मूविंग एवरेज अभी आप ट्रेडिंग व्यू यूज यूज करते करते हो या करते हो या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम कोई भी सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें आपको ये गप्पी मूविंग एवरेज मिल जाती है इनकी डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है कुछ चेंज नहीं करना है जो डिफॉल्ट सेटिंग है गप्पी की वही रखनी है हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है यहां पर देखिए अब इस गप्पी मूविंग एवरेज के थ्रू आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा दूसरा इसमें एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा इसमें आप अपनी एंट्री भी टाइम कर सकते हो कभी फुर्सत से आ, इसके ऊपर मैं आ, एक वीडियो आपको बना के दूंगा इस इस गप्पी को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया गया है तो आ, इसको मैं कभी आपको कभी आराम से आपके लिए बनाऊंगा वीडियो चाहिए ना तो शेयर करना पड़ेगा भैया सीधा सीधा बात है तो यहाँ पर देखिए जब प्राइज जो है अच्छा ये गप्पी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ ये जो ब्लू आप मूविंग एवरेज देख रहे हो ये इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है और ये रेड मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग है मतलब ये फास्ट और ये स्लो राइट जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो प्राइस को क्लोजली ट्रैक करती है और जो स्लो मूविंग एवरेज है वो लंबे ट्रेंड को ट्रैक करती है तो यहां पर आप देखो कि जब टॉक अप ट्रेंड में है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो वो ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके पास ट्रेड कर रही है देखिए उसके पास ट्रेड कर रही है उसको नहीं छोड़ती है ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को जो स्टॉक है वो नहीं छोड़ती ठीक से देखिए ये जितने भी स्टॉक जो, जो, जि, जो है ये जो बजाज फाइनेंस या वॉट इट इज बजाज फाइनेंस ही है राइट तो यहां पर देखिए ये जो है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को नहीं छोड़ रही है देखिए ये जो लगातार जो है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के पास है नहीं छोड़ती तो जब तक ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखी है तब तक आप समझिए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और आपको बाय ऑन डिप लगाना है राइट बाय ऑन डिप लगाना है जब तक ये स्टॉक अपने गप्पी के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखती है उससे बाहर निकलती है उसके अंदर घुसती है बाहर निकलती है अंदर घुसती है बाहर निकलती है अंदर घुसती है, है, है जब तक ये चल रहा है जब तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं राइट नेक्स्ट वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर आप देखो तो देखिए प्राइस जो है वो गप्पी के मूविंग एवरेज के पास एकदम गप्पी के मूविंग एवरेज को ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को देखिए एकदम फॉलो कर रही है अच्छा यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये प्राइस तो इसको तोड़ के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में घुस गई ये प्राइस जो है वो तो उसको तोड़ के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में घुस गई देखिए कोई भी चीज़ तो फुल प्रूफ होती नहीं है इसका भी एक तोड़ है हमारे पास राइट वो भी मैं आपको बताऊंगा तो ए, लेकिन ये हमें जो यहां पर क्या देखना है कि प्राइस जो है वो गप्पी के मूविंग एवरेज को नहीं छोड़ रही है गप्पी के मूविंग एवरेज के साथ ही चल रही है और ये थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक है तो ये देखिए ये ये जो है गप्पी के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के अंदर घुस जा रही है राइट तो ये निगेशन नहीं हुआ इसका एक कैच है मैं आपको बताता हूं अभी तो ये देखिए नीचे की तरफ अब जब भी ऐसा होगा आपको क्या करना है सेल ऑन राइज वाला अपना फंडा लगाना है देखिए सेल ऑन राइज वाला फंडा यहाँ लगेगा राइट ये ट्रेंड एक बार शुरू हुआ तो ये ये यहाँ पर ट्रेंड शुरू हुआ नीचे की तरफ देखिए ये राइज हुआ यू कैन सेल ऑन राइज ये नीचे गया यू कैन सेल ऑन राइज ये नीचे गया यू कैन सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज और फाइनली ये तोड़ देता है ओके यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा ओकेशनली अभी वही चार्ट मैं यहां पर ले आया और यहाँ पर देखिए इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि ओकेशनली प्राइस ब्रीचेस द शॉर्टर सेट ऑफ गप्पीज मूविंग एवरेज बट बट ये जो शॉर्टर सेट है ये जो फास्ट मूविंग एवरेज है गप्पी का ये जो फास्ट मूविंग एवरेज है गप्पी का ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के को टच भी नहीं करता है ये उसके अंदर घुसता भी नहीं है ये उससे दूरी बनाए रखता है बिग बॉस है भाई है तो भाई से भैया दूर रहने का ओके तो इसका मतलब कई बार क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज है अब देखिए वही चीज बार बार आपके सामने बार बार दोहराता हूँ हर एक स्टॉक पे हर एक मूविंग एवरेज सेम सेट ऑफ मूविंग एवरेज आप हर एक स्टॉक पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक स्टॉक का कैरेक्टर अलग होता है वोलेटिलिटी अलग होती है रेंज अलग होता है ये चीज ध्यान रखिएगा राइट तो यहां पर देखिए भले प्राइस ये छोटे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके बड़े मूविंग एवरेज के पास जा रहा है लेकिन ये जो छोटा मूविंग एवरेज है ये जाके बड़े मूविंग एवरेज में नहीं घुस रहा है इसका मतलब ट्रेंड अभी भी डाउन है हाँ लेकिन अगर ये छोटा वाला मूविंग एवरेज भी उस बड़े मूविंग एवरेज के अंदर घुसने लग जाए राइट बगावत कर दे आंदोलन छेड़ दे तब आप समझ जाना ट्रेंड चेंज होने वाला है लेकिन जब तक आपको ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जब तक ट्रेंड चेंज हुआ इसलिए बोला प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तो प्रेजेंटेशन जरूर ले लेना राइट यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है कई बार ब्रीच कर सकती है क्योंकि सेम थिंग वही बात है कि हर एक प्राइस पे हर एक मूविंग एवरेज सेट नहीं होगा इसीलिए अपने आपको थोड़ा फ्लेक्सीबल बना लेना है प्राइस जो है वो ब्रीच कर रही है लेकिन छोटा मूविंग एवरेज छोटा मूविंग एवरेज बड़े भाई से पंगा नहीं ले रहा है राइट ये बच्चे को भेजता जा बेटा तू खेल के आ मैं पंगा नहीं लूंगा तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ एकदम पूरा इंटैक्ट है और यहाँ पर जो है बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स बाय ऑन डिप्स वाली कहानी हम लोगों को यूज करनी है ट्रेंड चेंज कब होता है जब भैया इन दोनों भाइयों में लड़ाई जाती है ये बड़ा वाला मूविंग एवरेज जो छोटा वाला मूविंग एवरेज एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं कि बहुत हो गया भाई अब तुम्हारा नहीं चलेगा चलो खाली करो यहाँ पर यहाँ पर देखिए इसने यहाँ से लड़ दिया प्राइज को भेजा पहले बच्चों को भेजा फिर खुद जाके भिड़ गया और फाइनली फतेह हासिल कर ली और यह इस पर आ गया अब एक चीज देखिए जो बैंक निफ्टी में अभी रीसेंट फॉल आई है बैंक निफ्टी में जो रीसेंट फॉल आई है बैंक निफ्टी में जो रीसेंट ट्रेंड चेंज हुआ है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपने नोटिस किया कि नहीं किया ये देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये एकदम रीसेंट चार्ट है ये देखिए एक घंटे का चार्ट है आर्ली चार्ट है और ये एकदम रीसेंट चार्ट है यहां पर ट्रेंड हुआ चेंज यहां पर मिला इंडिकेशन और ये देखिए ये हो गया सेल ऑन राइस काम करता है कि नहीं अंदाजा में नहीं मैं पेल रहा हूं मैं पूरे सबूत और होशोहवास में हूं ऑनर और ये देखिए आपके सामने है रिजल्ट भैया ये मैंने अपने आप नहीं बनाए हैं ये मैंने कहीं से फोटोशॉप करके नहीं बनाया है ये रियल मार्केट के चार्ट्स है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि अलग अलग तरीके से किस तरह से आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो किस तरह से आप ट्रेंड को समझ सकते हो बूझ सकते हो है ना तो ये है मजा और देखिए अगर आपने हमारा वो गोलमाल कैंडल वाला एपिसोड भी देखा होगा या डोजी कैंडल वाला एपिसोड भी देखा होगा तो आप जाके देखो मैंने ट्विटर पर भी डाला था कि ये वाला जो कैंडल है वो गोलमाल कैंडल है कम से कम दो हफ्ते पहले हम लोगों ने ट्विटर पर डाला था कि ये गोलमाल कैंडल है और यहां पर मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक मीडियम टर्म टॉप बन गया है और उसके बाद वहां से निफ्टी नीचे की तरफ मुड़ चुकी है तो जाके देखिएगा ट्विटर पर फॉलो करिए जाके देखिए अब एक चीट कोड मैं आपको देता हूं एक और चीट कोड मैं देता हूं आपको ये आपके पॉन्डरिंग के लिए है आपकी समझ के लिए है कि जो स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेंड डिटरेशन के लिए ये आप सोचिए थोड़ा अपना दिमाग लगाइए राइट मैं देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो जिस तरह से आपको मार्केट को देखना है जिस तरह से आपको मार्केट को समझना है वो कहीं लिखा नहीं मिलेगा वो सब यहाँ पर है कहीं लिखा नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस करेंगे तभी होगा 99 नाइन परसेंट लोग जो आपको सिखा रहे हैं वो कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं कर रहे इसलिए आप अगर उनसे सीखते हो तो आपको फायदा नहीं होता है वो सब जो है नैपी में भी हैप्पी ट्रेडर्स टी और टीचर्स होते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ नैपी में भी हैप्पी मतलब उनकी मम्मी है जो अभी उनकी नैपीज बदल रही है कईयों की तो दाढ़ी ही नहीं निकली अभी तक राइट और हम तो हफ्ते में तीन बार शेव करते हैं तो यहां पर देखिए अब हम नेक्स्ट आते हैं सोकेस्टिक्स पे अब हम सोकेस्टिक इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड चेंज के लिए सॉरी इंडिकेटर को ट्रेंड चेंज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये तो कमाल की बात है आइए मैं दिखाता हूं आपको कि इंडिकेटर को ट्रेंड चेंज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है यहां पर इंडिकेटर की सेटिंग मैंने चेंज कर दी है मैं आपको बता दूंगा कि क्या सेटिंग है इंडिकेटर हम नॉर्मल uh, नहीं यूज कर रहे हैं इसकी सेटिंग मैंने चेंज की अब यहां पर देखिए आपको देखना क्या है बहुत सिंपल एप्लीकेशन है बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है और इस तरह की एप्लीकेशन मुझे बताइएगा कि आपको किसी ने सोकेस्टिक बताई है कि नहीं बताइए डाउन ट्रेंड के दौरान यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड के दौरान जब स्टॉक नीचे 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 जाए जा रहा है सोकास्टिक सोकास्टिक इंडिकेटर एक बार भी ओवरबॉट नहीं होता ओवरबॉट से मेरा मतलब है ओवरबॉट से मेरा मतलब है सोकास्टिक इंडिकेटर एक बार भी 80 के ऊपर नहीं जा रहा है ठीक से देख लीजिए नमगर, ये देख लीजिए पिछले यहां जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और ये देखिए सोकास्टिक एक बार भी अस्सी के ऊपर नहीं टिका एक बार भी अस्सी के ऊपर नहीं टिका दोनों सोकास्टिक की लकीरें एक बार भी अस्सी के ऊपर नहीं टिकी सेम यही इंडिकेशन है कि ये स्टॉक जो ओवर नहीं हो सक रहा है ओवर नहीं हो सक रहा है जो स्टॉक वो स्टॉक

सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज की टेक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करनी है अब आप ट्रेंड लाइन यूज करो मूविंग एवरेज यूज करो बॉलेंजर बैंड यूज करो पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है जाके देखो कुछ भी यूज करके अपना काम आप अप चलाओ जो स्टॉक अप ट्रेंड में है जो स्टॉक अप ट्रेंड में है वो सोकास्टिक पे ओवर सोल्ड नहीं होगा देखिए ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड लेवल्स पे जाएगा ही नहीं अब ट्रेंड में है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पिछले चार महीने से ये एक बार भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ एक बार भी ट्वेंटी के लेवल को टच नहीं कर रहा है यहां देखिए ठीक से मेरे भाई मेरे दोस्त ये प्रेजेंटेशन लो और देखो और ये हमेशा ओवरबॉट नीचे जाता है ओवरबॉट नीचे जाता है ओवरबॉट इसका मतलब यह स्टॉक इतना काबिल है इतना स्ट्रांग है कि ओवरसोल्ड लेवल पे नहीं जा रहा है सीधा ओवरबॉट पर नीचे ओवरबॉट न्यूट्रल ओवरबॉट न्यूट्रल इतना काबिल है ये स्टॉक तो आपको इस स्टॉक में कौन सी टेक्निक यूज करनी है यहां पर आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप इस्तेमाल अब बताओ तो कैस्टिक ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है भैया खुद जब पानी में गोते खाओगे ना तभी गहराई का पता चलेगा राइट जैसे मैंने मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब तक जब तक आप खुद किसी चीज को टेस्ट नहीं करोगे तो उसका स्वाद आपको पता नहीं चलेगा दूसरों को खाते हुए देखोगे ना तो आप ये सोचोगे कि यार ये कैसा इसको फील हो रहा होगा खुद टेस्ट करो सही जगह खाओ सही पोर्शन खाओ तो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी उल्टे पुलटे जगह घुस गए उल्टा पुल्टा खा लिया फूड पॉइजनिंग बोमी उल्टी डायरिया पायरिया सब हो जाएगा बात समझ जाओ समझदार को इशारा काफी है इतने समझदार तो आप हो और ये देखिए यहाँ पर कैसे शिफ्ट हुआ अब मैं आपको शिफ्ट भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था यहाँ देखिए आराम से देखिए ना कोई दिक्कत नहीं है अपना ही है यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड था तो ये ओवरबॉट नहीं हो रहा था जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ अप ट्रेंड में गया तो ये ओवरसोल्ड नहीं हो रहा सिर्फ ओवरबॉट हो रहा है अब हो गया विश्वास एक ही चार्ट पे दोनों दिखा दिए ये देखो डाउन ट्रेंड में जब था तो ये ओवर ही नहीं हो रहा था सिर्फ ओवरसोल्ड हो रहा था जैसे ही अप ट्रेंड में गया सिर्फ ओवरबॉट हो रहा है तो ओवरसोल्ड हो रहा ही नहीं है Socastics. और क्या एप्लीकेशन इसका कट हुक क्या क्या लोग बोलते हैं कुछ नहीं जरूरत है चीजों को सिंपल रखो और यह है हमारे सोकास्टिक की सेटिंग आपको परसेंटेज के का लेंथ ट्वेंटी एट कर देना है परसेंटेज के स्मूदिंग टू कर देना है परसेंटेज डी स्मूदिंग जो है वो सिक्स कर देना है ये आपके सोकैस्टिक की सेटिंग ये सेटिंग हम लोगों ने चेंज की है तो ये सेटिंग हम कैसे डिराइव करते हैं बैक टेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे दस साल पंद्रह साल बीस साल के डेटा को बैक टेस्ट करना पड़ता है उसके बाद ये सेटिंग्स डिराइव होती है तो अलग अलग सेटअप के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के लिए अलग अलग सेटिंग्स होती है ये भी एक चीज़ आपको बता दिया मैंने नहीं सुनने मिलेगी सर ये चीज़ कहीं नहीं सुनने मिलेगी क्योंकि लोग नहीं जानते मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ खुले आम बताता हूँ यूट्यूब पे लोग नहीं जानते ये सब किसी किताब से चार पांच दस चैप्टर उठाए उसका ट्रेडिंग कोर्स बना दिया और आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं राइट मर्सिडीज में घूम रहे हैं ऑडी में घूम रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं पहाड़ पे जा रहे हैं आपको बता रहे हैं कि ट्रेडर का लाइफ है ट्रेडर का लाइफ नहीं है यह आपका चॉप 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 कर रहे हैं याद रखिएगा तो ये यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है और आपको अगर ये हमारा डिलीवरी हमारी ये जो एपिसोड पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें बिना चैनल आगे मत जाइए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अगले हफ्ते वापस मिलेंगे सीखेंगे कुछ नया करेंगे कुछ नया तब तक के लिए कीप अर्निंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग जय हिंद जय जाह भारत एंड स्टे सेफ